हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानुष होम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये जो आप देख सकते हो ये है एक इडली की प्रॉपर बैटर। इस बैटर से मैं आपको पैन केक और इसकी और एक नाम है देब्बा रोटी, मतलब इतनी मोटी से रोटी टाइप की ये बनती है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, नॉर्मल सा जैसे हम इडली के बैटर के लिए जिस ग्लास से आप उड़द की दाल को भिगोगे उसी मेज़रमेंट से एक कप राइस का जो सूजी होता है इडली वाला सूजी वो लिए हैं, और एक तो है जो कच्चा चावल का जो एक रवा आता है सूजी वो भी हम इसमें थोड़ा दानेदार रहता है वो भी हम इसमें एक कप यूज़ किए, मतलब 1:2। अगर एक कप दाल लिए हो तो 2 कप सूजी। इससे बैटर हमने बना दिए, इसमें नमक मिला के रखे। अब हम इसे एक मोटी सी बर्तन में एक मोटा सा रोटी टाइप की डालेंगे। इसे आप झट से नहीं बना सकते हो दोस्तों, अगर आपको सुबह खानी है तो रोटी आपको रात को डालना पड़ेगा। ये बनने में लगभग 45 to 1 आवर लगती है और एकदम धीमी आँच में आपको इसे बनाना पड़ेगा। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं एक मोटी वाली पीतल का हंडी ली हूँ, आप मोटी वाली कढ़ाई भी ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप हंडी लो। अब मैं इसमें थोड़ा सा छौंक डालना बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी सी सरसों और करी लीव्स ली हूँ जो इसमें डाल देंगे। अब जो है हम ये इडली का बैटर जो है हम इसमें डालेंगे, इतनी तक का हमें डालना है, पूरा भर नहीं देना है क्योंकि फूलेगी केक की तरह, तो ये इतना ही डालना है। अब देख सकते हो दोस्तों, मैंने जो बैटर है पूरा डाल दी हूँ। अब हमें क्या करना है, बीच में ऐसा खाली छोटी सी ग्लास या कोई कटोरी अगर रहेगा आपको इसकी बीच में ऐसा इंसर्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जब फूलेगी ये चारों तरफ तो आपका पक जाएगी पर बीच में नहीं पकेगी। आप देखिएगा जब ये फूलेगी, मैं आपको बैक टू बैक दिखाते रहूँगी, ये जब फूलने लगेगा ये ग्लास को भी कवर करके ऐसा ऊंचा होके फूलेगा। ये पहला ज़माने में बहुत बनती थी मिट्टी की चूल्हा में, जो हम लकड़ी जला के बनाते हैं राख से बहुत अच्छी बनती है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। पर अभी का ज़माने में मैं राख और मिट्टी की चूल्हे कहाँ से लाऊं, इसीलिए मैं गैस पर ही बनाती हूँ नॉर्मली। और हम गैस के फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इसमें एक ढक्कन लगा देंगे, तो इसे हम पकने तक का वेट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम इसका ढक्कन निकाल के चेक करेंगे, देखिए अब कितना फूला है ये। अब हम एक तरफ का तो हमारा रोस्ट हो चुका है, हमको इसको पलटना है, तो हम क्या करेंगे गैस को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद कोई भी कर्ची से या चाकू से आप थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा कर लीजिए साइड में, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके बाद ये दूसरी तरफ आसानी से पलट जाएगा। पहले आपको इसे एक थाली में पलटना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा हम इस हंडी में इसको पलट देंगे। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी कर्ची से ऐसे ऐसे कर लेंगे ये साइड से छोड़ने लगेगा। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट डालेंगे, अब इस प्लेट को ऐसे पकड़ के कोई भी मोटा कपड़ा लीजिए क्योंकि आपका हाथ जल सकता है, इसे ऐसे उलट दीजिए। देखिए एक साइड का ऐसा जल गया, रोस्ट हो गया। आप डरिए मत, ये जला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रोस्ट हुआ है। इसको आप फिर दोबारा ऐसे लेके इस हंडी में डाल दीजिए, तो दोनों तरफ हमारा रोस्ट हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए इसका लेंथ देखिए कितना मोटा है, ये अंदर से पूरा पका हुआ रहेगा, आप डरिए मत कि कच्चा रहेगा, कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि इसके बीच में हमने ग्लास डाली थी। अब हम थोड़े देर इसको फिर से वापस हंडी में डालेंगे और थोड़ा देर और नीचे वाली जो रोस्ट होना बाकी है होंगे, उसके बाद आप इसे नारियल चटनी, टमाटर चटनी, कोई भी खट्टी और तीखा चटनी से आप खा सकते हो।
तो आप अपना घर में ज़रूर ट्राई करिए इसे, क्योंकि अगर आपको सुबह मन नहीं होता है बच्चों को देना है तो आप रात में इसका प्रिपरेशन करके इसे प्रिपेयर करके रख सकते हो। जल्दी ख़राब नहीं होगी, 24 आवर्स तक ये ठीक रहेगी, इसे कोई बदबू या कुछ भी ख़राबी नहीं आएगी। तो आइए हम इसे वापस डाल देते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, हम इसे अब ऐसे पैन में थोड़ा देर ऐसा रख देंगे, उसके बाद हम इसे ढक कर रख देंगे, कल सुबह हम ये खाएंगे। अब हम हंडी को इसीलिए खाली किए क्योंकि हमें दूसरी वाली बैटर जो है वो भी डालना पड़ेगा। हम दूसरी वाली बैटर में कोई छौंक नहीं डालेंगे, ऐसे ही प्लेन हम इसको डाल देंगे। और इसे हम नारियल और टमाटर वाली चटनी के साथ खाएंगे। इसे हम वापस से ऐसे ढक्कन लगा के, इसमें बैटर कम है तो हमें इसका बीच में कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही ढक देंगे। ढक के फिर कम फ्लेम में हम दूसरी वाली जो पैनकेक है वो रेडी करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये पैनकेक का रेसिपी अच्छी लगी और तो आप अपना घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि कैसा बना खाने में। और इसी तरह मानू आपसे पुरानी रेसिपी शेयर करते रहेगी। ये मेरी अम्मा का रेसिपी है, मेरी नहीं है, मैं अम्मा से सीखी हूँ। तो अम्मा के लिए इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।